नमस्कार दोस्तों, आज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान जोम में। दोस्तों, यदि आप नौकरी करते हैं तो आपका सैलरी अकाउंट होगा, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को सैलरी अकाउंट रहने पर क्या क्या सुविधा मिलती है, क्या क्या सर्विस मिलती है, बहुत लोगों को यहाँ पर मालूम नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपका भी सैलरी अकाउंट है तो आपको क्या क्या सुविधा मिलती है बैंक की तरफ से, इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, साथ ही यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, सैलरी अकाउंट रखने का सबसे पहला फायदा होता है कि यदि आप अपने अकाउंट से सारे पैसा निकाल लेते हैं, यानी कि आप अपने अकाउंट में जीरो बैलेंस रखते हैं, तो यहाँ पर बैंक की तरफ से आप पर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाता है। आपको यहाँ पर अपने अकाउंट में एवरेज मंथली बैलेंस रखने की जरूरत नहीं रहती है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जितने सैलरी अकाउंट के अलावे जितने भी बैंक अकाउंट है उसमें आपको एवरेज मंथली बैलेंस रखना होता है, जो कि हर एक बैंक का अलग अलग होता है। किसी बैंक का एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 रुपये होता है, तो किसी बैंक का एवरेज मंथली बैलेंस 15,000 होता है, तो किसी बैंक का एवरेज मंथली बैलेंस 5,000 है, किसी का 7,500 है। इसी तरीका से और भी बैंकों का अलग अलग एवरेज मंथली बैलेंस होता है। तो यहाँ पर सैलरी अकाउंट रहने पर सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप अपने अकाउंट्स में से सारे पैसे निकाल लेते हैं तो भी आपको यहाँ पर बैंक की तरफ से कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी बैंक अकाउंट है उसमें यदि आप एवरेज मंथली बैलेंस नहीं रखते हैं तो फिर आपको यहाँ पर बैंक की तरफ से चार्ज लगाया जाता है। सैलरी अकाउंट रखने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है ओवरड्राफ्ट की सुविधा आपको मिलती है। सैलरी अकाउंट रखने पर दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है, यहाँ पर आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। यदि आपका सैलरी अकाउंट 2 साल या फिर उससे अधिक का सैलरी अकाउंट है तो फिर आपका ओवरड्राफ्ट की सुविधा आपको मिलती है। ओवरड्राफ्ट सुविधा में आपकी जितनी भी सैलरी होती है उसमें आपको 2 महीने की बेसिक सैलरी के बराबर आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। ओवरड्राफ्ट सुविधा में यदि आपके बैंक अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं है तो भी आप एक तय लिमिट से पैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा फायदा होता है सैलरी अकाउंट रखने पर फ्री एटीएम की सुविधा। सैलरी अकाउंट पर प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर के जितने भी बैंक हैं आपको फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन की सुविधा देती है, जैसे कि SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक। इस सुविधा के तहत आपको टेंशन नहीं लेना रहता है कि एक महीने में आप कितनी बार ATM का यूज करते हैं, कि आप महीने में कितनी बार ATM से लेन देन करेंगे। आपकी मर्जी है, आप जितनी मर्जी उतनी बार लेन देन कर सकते हैं। इसके अलावा ATM सुविधा के लिए सैलरी अकाउंट पर सालाना चार्ज भी आपको नहीं लगता है। इसके बाद चौथा सबसे बड़ा फायदा होता है सैलरी अकाउंट रखने पर, आपको लोन की सुविधा मिलती है। सैलरी अकाउंट पर पर्सनल लोन से संबंधित स्पेशल ऑफर भी मिलते हैं। सैलरी अकाउंट पर आपको प्री अप्रूव लोन भी मिलता है, होम लोन हो या फिर कार लोन हो, इसमें भी आपको स्पेशल ऑफर देखने को मिलेगा। इसके अलावा नॉर्मल सेविंग अकाउंट से कम ब्याज पर आपको सैलरी अकाउंट पर लोन की सुविधा मिलती है। इसके बाद हम यहाँ पर चौथा सबसे बड़ा फायदे की बात करें, सैलरी अकाउंट रखने पर आपको फ्री पासबुक और चेकबुक की सुविधा मिलती है। कई बैंक आपको सैलरी अकाउंट पर फ्री चेकबुक और पासबुक, इसके अलावा ई स्टेटमेंट, जो कि आपको ईमेल पर स्टेटमेंट लेते हैं, वो आपको फ्री में सुविधा देती है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करें सैलरी अकाउंट रखने की छठा सबसे बड़ा फायदा, तो यहाँ पर आपको फ्री इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है। सैलरी अकाउंट जिनका भी है उनको मृत्यु होने पर 20 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है। यह सुविधा लगभग हर बैंक में सैलरी अकाउंट पर मिलता है। इसके अलावा SBI अपने प्रीमियम सैलरी अकाउंट पर 30 लाख रुपए तक का एयर एक्सीडेंट कवर की भी सुविधा देती है। इसके बाद हम बात करें सैलरी अकाउंट रखने की सातवां सबसे बड़ा फायदा, तो यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर भी आपको सैलरी अकाउंट में फायदा मिलता है। कुछ सरकारी और प्राइवेट बैंक अपने ग्राहकों को सैलरी अकाउंट पर फ्री ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की सुविधा देती है, लेकिन यहाँ पर IMPS करने पर चार्ज देना होता है। लेकिन NEFT और RTGS करने पर ऑनलाइन कोई भी चार्ज बैंक आपसे नहीं लेती है, यदि आपका सैलरी अकाउंट है। कुछ बैंक प्रीमियम सैलरी अकाउंट पर फ्री IMPS ट्रांजेक्शन की भी सुविधा देती है। SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक सैलरी अकाउंट पर और भी कई सुविधा देती है, जिनमें की ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स के लिए फ्री ATM कार्ड, मुफ्त में मल्टी सिटी चेक बुक। इसके बाद लॉकर चार्ज पर 25% तक की छूट आपको देखने को मिलती है। फ्री डेबिट अकाउंट और फ्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का भी आपको सुविधा देती है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको यहाँ पर सैलरी अकाउंट पर क्या क्या फायदा मिलता है मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। यदि आपके मन में कोई सवाल लगता है तो कॉमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।